छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहु। हरचरे इसी बीच एक बार फिर से राजनांदगांव से बड़ी खबर मिल रही है कोरोना को लेकर के। जिले में फिर से एक बार 14 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं। वही मेडिकल कॉलेज से 6 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं, ये आज की अपडेट दे रहे हैं। राजनांदगांव जिले में फिर से एक बार 14 नए कोरोना मरीज मिले, वही 6 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर लौटे हैं। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी करना होगी। शशांक उपाधे जुड़े, शशांक एक बार फिर से राजनांदगांव जिले में कोरोना के मरीज के साथ डिस्चार्ज की संख्या सामने आई है। जी बिल्कुल, लगातार कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो राजनांदगांव जिले में उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसमें आज 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बता दूं आपको, जिसमें 3 गंज चौक के हैं, 3 लाखोली के हैं, 1 इंदावानी का है, 1 शंकरपुर का है, 1 पीटीएस के है, 1 कोटराभाटा का है, 1 बजरंगपुर नवागांव का है, 1 गौरीनगर का है। वही 2 मेडिकल स्टाफ जो पेंडली मेडिकल कॉलेज है वहां से फिर संक्रमित हुआ है। जो लगातार हम बात कर रहे थे मेडिकल स्टाफ जो कोरोना चपेट में आ रहा है, कोरोना वॉरियर, इस पूरे पॉजिटिव केसेस की पुष्टि जो है सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी ने की है। वहीं 6 जो मरीज है वो मेडिकल कॉलेज पेंडली से डिस्चार्ज हुए हैं, उसमें 2 चौकी के हैं, गंडई के हैं और डोंगर गांव के 1-1 मरीज है। इस तरीके से 6 मरीज जो है वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जी दिगेश जी, चलिए शशांक जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।